देखिए, पहली बात तो मैंने पिक्चर नहीं देखी अभी तक, तो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकती, पर मेरे मन में एक सवाल है और मेरे ख्याल से जो भारत के इस देश के पढ़े लिखे लोग होंगे, विद्वान होंगे, वो मेरे सवाल से सहमत भी होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सवाल कांग्रेस से पूछा क्यों जा रहा है। अगर किसी की नैतिक जिम्मेदारी थी तो आज वो हमारे बीच में नहीं है। दिवंगत प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और अगर उनका समर्थन कोई कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उनका समर्थन। वहाँ पर गवर्नर कौन था भारत? तो अगर ये सवाल किसी से पूछा जाना चाहिए तो इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर कश्मीरी पंडितों के साथ तथाकथित ये दुर्घटना हुई जिसमें हम सब लोगों की दुख दिया, तो अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो तत्कालीन सरकार जिम्मेदार है, तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इस पर कांग्रेस कैसे दे सकती है? नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल अनुचित है। और मैंने जैसा कि कहा, मैंने पिक्चर नहीं देखी है, पर जिस तरह से कल मैंने गृहमंत्री जी का बयान पढ़ा, उन्होंने गुजरात में किसी कार्यक्रम में कहा कि ये कांग्रेस को इसका जवाब, उन्होंने कांग्रेस से जवाब मांगा इसका, तो मैं यही जानना चाहती हूँ ये दुष्प्रचार, अगर ये पिक्चर में जो दिखा रहे हैं, जो प्रसारित कर रहे हैं, तो क्या ये अपने खिलाफ अपनी ही गवर्नेंस को चैलेंज कर रहे हैं या किसी पे आरोप लगा रहे हैं? स्पष्ट कहें इस बात को। अगर कोई जिम्मेदार है इस बात, अगर कश्मीरी पंडितों के पलायन का, तो मैं तो साफ शब्दों में कह रही हूँ और चुनौती दे के कह रही हूँ कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है। ठीक बात है, तो मैं यही तो कह रही हूँ कि कम से कम दोनों पहलुओं को, जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बयान भी आए हैं, तो दोनों तरफ के पहलुओं को दिखाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक भ्रम की राजनीति करी है, उन्होंने देश को विभाजित करने की बात कही। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि 2014 से लेकर अब तक केवल 7,000 जो फिगर दिया है सरकार ने दिया है कि लगभग 7,000 कश्मीरी पंडित पुनर्स्थापित हुए हैं, तो इतने लंबे साल, लगभग 8 वर्षों में इन्होंने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या लगता है मैम, जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे भरोसा जा रहा है कश्मीर फाइल को, 2024 की न्यूज रखने की तैयारी? ये कोई ना कोई एजेंडा ले आते हैं, ले आएंगे, ये उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। आप देखिए, चुनाव के अंतिम चरण में जब उनको लगा भारतीय जनता पार्टी के और सारे ध्रुवीकरण की राजनीति सफल नहीं हो रही, तभी तो पिक्चर रिलीज हुई, जिस कंट्रोवर्सी क्रिएट हुए। 80-20 का जो इनका था वो इशू सही रहेगा, वो उनको लगा कि ये नहीं है, तभी तो उन्होंने इस पे चर्चा शुरू कर दिया। अचानक से कश्मीर फाइल जब बन रही थी तब किसी को ध्यान नहीं आया था, जब चुनाव आने लगा तो उनको याद आया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक हिस्सा है, और ये इस तरह मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये एक सबसे बड़ा तरीका है। 50 रुपये गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए, उस पर जवाब नहीं दे सकते। पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दिए, उस पर जवाब नहीं देंगे। जनता को किस तरह से भ्रमित करना है, और बड़े अफसोस की बात है कि वो सफल हो जाते हैं भ्रमित करने में, तो ये भ्रम की राजनीति बीजेपी ने हमेशा की है, फिर से एक उन्होंने पासा फेंका है। मेडलिस्ट रही हूँ और मैं ये मानती हूँ कि स्पोर्ट्स को राजनीति से बहुत दूर रखना चाहिए। ये प्रतिभाओं की सफलता की बात होती है, और जो प्रतिभाएं होती हैं वो देश का नाम रोशन करती हैं, तो कभी भी राजनीति को की दखलंदाजी स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसा होने लगा जिसका अंदेशा दिख रहा है, तो ये बहुत दुखद होगा। जिस ग्राउंड पे आप खड़ी, इसी ग्राउंड पे अब की इलेक्शन में यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, मतलब ये इस तरह का, और बल्कि यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया था, हेलीपैड बनाया गया नेताओं को करने के लिए, ये एक ग्राउंड को क्या इस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और मैं मानती हूँ कि इस तरह की चीज़ों से स्पोर्ट्स को हमेशा दूर रखना चाहिए। और जो गाइडलाइंस हैं, अगर आप पढ़ें तो जो स्पोर्ट्स के, खासकर स्टेडियम्स की गाइडलाइंस होती हैं, उसमें ये प्रोहिबिटेड है कि आप ग्राउंड के अंदर जो टर्फ होती है उस पर आप कोई एक्टिविटी, पब्लिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसको सिक्योर रखना ये प्राथमिकता होती है स्टेडियम के संरक्षकों की। इसको लेकर आप क्या? बिल्कुल, मैं इसकी आलोचना करती हूँ, नहीं होना चाहिए।